30 मई को लखनऊ पुलिस द्वारा किए गए मड़ियावां लूटकांड के खुलासे में पहला ब्लॉक प्रमुख के बेटे अरुणेश यादव को आरोपी बनाए जाने को लेकर ब्लॉक प्रमुख मास्टर रामलाल यादव ने चुप्पी तोड़ी है। मास्टर रामलाल यादव ने लखनऊ पुलिस के खुलासे पर सवाल खड़े करते हुए गलत तरीके से बेटे को फंसाए जाने और राजनीतिक छवि को खराब करने का आरोप लगाया है। रामलाल यादव ने इसके लिए न्यायालय जाने की भी बात कही है। रामलाल यादव ने कहा कि पुलिस ने 28 मई के दिन अरुणेश को गिरफ्तार किया था। उसी रात करीब 8 से 10 लोग आए, खुद को पुलिस से होना बताकर दरवाजा खुलवाकर अरुणेश का कमरा पूछा, फिर अलमारी तोड़कर पैसा और जेवरात लेकर चले गए। हमें पूरी तरह से राजनीतिक द्वेष में फंसाया गया है। घटना के दिन मैं पूरा समय अपने गांव में था। एक पास के गांव में ये घटना हो गई थी। महिला ने फांसी लगा ली थी, वहाँ गया हुआ था, लौट के आया, फिर अपना बैंक वैंक के काम घर अपना बैठा था। उसके बाद 28 तारीख को लखनऊ पुलिस आई। मैं महाविद्यालय के ही खेत में था, वहाँ पुलिस गई, वहाँ उन्होंने हमें पकड़ा। जो आसपास के लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया, पुलिस से हल्की फुल्की झड़प भी हुई, फिर मेरे कहने पर ही लोग माने। हमारे लड़के को अरुणेश को खेत फंसाया गया है, वो राजनीतिक द्वेष के कारण फंसाया गया है। लड़का हमारा जिस घटना में इस चोरी में फंसाया गया है उस दिन घर पे था, हमारे खेत में था, तमाम हमारे पास साक्ष्य हैं, हमारे साथ था, सामने आई। इस बात को हम बहुत पहले कह सकते थे, लेकिन हम असली बात जानना चाहते थे। जब लड़का आ जाएगा तो उससे जानकारी लेंगे, क्या सही है क्या गलत है, कैसे फंसाया गया, कहाँ लिया गया, इसके हमारे पास तमाम साक्ष्य हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम न्यायालय में पेश करेंगे और न्यायिक जांच के लिए हम सरकार से मांग करेंगे।